ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕੰਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਜ ਰਹਿਣ ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਗਾਲੋ ਗਲੀਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਬਕ ਹੈ ਮੁਰਾਦੋਂ ਸੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀ ਪਸੰਦ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਂ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤਵਾਜੀ ਮਸਾਇਲ ਤਸਖੀਰੇ ਮਖਲੂਕਾਤ ਕੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਪੜ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚਲੋ ਵੋਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵੇਨੇ ਆ ਪੈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਥੋੜੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਦਿਜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰੋੜੇ ਹੀ ਬਣਾਣ ਡੇ ਜਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਆਵਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਯੋਰ ਆ ਤਾਂ ਅਦਮੇ ਇਤਮਾਦ ਲੱਗਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਵਾਂਗਾ इमरान खान साहब अगे ये अरज है कि जो टीवी ते आंदे ने तमीज दे दर्ज रहन बस इस तों अलावा मैं कुछ भी नहीं कहा वो कहंदे कौम दे विच शऊर आया हूं हां अखलाक याद ही पीटीआई सिखा रही जदों साडे वड्यां दे विच अखलाक नहीं होना ते कोई साडी आने वाली नस्ल की सोचेगी बस इस तों ज्यादा नहीं गल करदे रियासत मदीना तां वास्ते बना रहे ने रियासत मदीना गालो गलीच नाल नहीं बनदा ठीक है रियासत मदीना उदों बनता जदों बंदा साडा हुकमरान ही गालो गलीच करता तो सानू भी तो यही सबक है खान साहब डी चौंक इस्लामाबाद जलसा कर रहे जा रहे हो इश्क ने जी नहीं क्यों नहीं जा रहे एक काम करन दे नहीं टाइम है इमरान खान सपोर्ट ही कर रही तू और दुनिया भरी इमरान खान सपोर्ट करन वाले यही रह गए तू नहीं कर रही अही कर रहे इमरान खान सपोर्ट पाकिस्तान टोटल सारे मुल्काई इस वेले आंदे मुर्गी 400 रुपए किलो जी 400 रुपए जी रमजान बर्बाद किया बारो जो बंदा पुछ के वे लो अगे किने दी चीज सी हुण किने दी है अद्दो अद्दो ज्यादा फर्क पै गया बाहर जी खान साहब रहना चाहिए नौजवानों के लिए खान साहब बड़े प्रोजेक्ट ले गए कामयाब नौजवान जी 50 अरब जो है दार साहब कहते हैं तकसीम कर दी है 30,000 से जायद कारोबार ये शुरू कर दिए पीटीआई जी कैसी परफॉर्मेंस देखिए देखें परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है और जो बंदा पढ़ा लिखा है ना उसे तो पता है खान साहब परफेक्ट हैं और जिसे पता नहीं है ना जैसे कि आपको पहले ये दोनों मिले हैं इनको पता नहीं था जिसके पास मोबाइल है ना वो देख रहा है पहले तो नहीं था पता नहीं किसी को अब जी है ना कि हम खान साहब जो है ना काम अच्छा कर रहे हैं बंदे क्या कर रहे हैं काम आपको मालूम नहीं है काम क्या है पूछना चाह रहे वो तो अपोजिशन ने कह दिया कुछ नहीं किया बेड़ा गरक किया हुआ है अपोजिशन तो को गोली मारे और दूसरी बात गोली मार दे और दूसरी बात ये कि खान साहब का अगला इलेक्शन भी खान साहब का ही है 2023 का इलेक्शन खान साहब का अदम-ए-इत्माद की जो आवाज चली उस पे वो खान साहब का ही है
अपोजिशन में, अपोजिशन का क्या, कभी इधर है कभी उधर है, वो नूर आलम साहब वो सारे साहब जितने भी दिखे 24 जो है आपके, देखें आज अगर वो सारे बिके हैं ना तो सबको पता चल गया। अगर कोई टिका हुआ ना तो वो खान साहब हैं। तो खान साहब अकेले थोड़ी कामयाब हो गए यार, बात ये है करने वाली ये होती है कि खान साहब अकेले हैं ना, बंदा अकेला परफेक्ट है। उसके ये है कि पहले नवाज शरीफ था तो वो भी ऐसा ही करता है, लेकिन अब लोगों को वो नहीं नज़र आ रहा, ये नज़र आ रहा है कि खान साहब ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन जो पहले हो चुका है वो तो भूल के हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अभी है ना, अभी मेरे ख्याल से इतनी महंगाई नहीं थी तब, और तब ये हालात इस तरह के नहीं थे, बिल वगैरह जो है उनके अंदर बड़ा, देखें अभी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया उसमें सब्सिडी भी मिली है सबको, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट सबको नजर आ रही है अभी। फ्यूल एडजस्टमेंट तो पहले से चलती आ रही है, जो वो कौन सी अभी चली है। ठीक है, क्योंकि वो पहले से जब से ये इलेक्ट्रिसिटी का बनी है तब से चलती आ रही है, कि पेट्रोल से बिजली बना रहे हैं वो एडजस्टमेंट करते आ रहे हैं बकाया। तो निकल रहे हैं फिर 27 को खान साहब के साथ जी इंशाल्लाह 10 लाख पूरे हो जाएंगे, पूरे 10 लाख से ज़्यादा होंगे अल्लाह के बंदे, ये 10 लाख तो कुछ भी नहीं है। तो 20 लाख का चैलेंज आपको भी शुरू में दे दिया, 20 लाख मेरे ख्याल से 20 लाख से भी ज़्यादा हो जाएंगे, मेरे ख्याल से, आपके ख्याल से, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं खान साहब के साथ निकलेगी लगता वहाँ निकलेगी क्योंकि वाम पता है खान साहब सही ने, क्योंकि अगर आज तुसी पिछला इंटरव्यू दा देखो नवाज शरीफ दा जड़ा उस सदर ओबामा दे नाल बैठे तो इस तरह पाके चु पर्ची कट के ना ते पढ़ना चाह रहा है, लिहाजा आवाम नू देखना चाहिए कि देखे जिद को नॉलेज उन्हें तकरीर करनी है, जिद को नॉलेज नहीं पर्ची तू पढ़ के की करेगा, समझ रहे हो। आवाम कहते महंगाई जड़ी है, महंगाई नवाज शरीफ ही जो आया से उदो भी नवाज शरीफ जो आया डिलीवर आस्ता आस्ता करेगा, अगले इलेक्शन च होएगा डिलीवर बहुत अच्छा है। इलेक्शन कर रहा है कितना है, ते देखो एक 45 ईयर हो गए उनको हुक्मरानी करते हुए, उनका कचरा इकट्ठा करके फेंकने का टाइम लगेगा। कचरा इकट्ठा करके सारे एक साइड दे, जिवें कि तुसी कह रहे हो कि 25 इकट्ठे हो गए वो अपोजिशन में चले गए, ये सारा कचरा इकट्ठा हो रहा है, फिर इनको उठा के साइड पे फिर न्यू बंदे आएंगे, फिर न्यू बंदे, न्यू बंदे, फिर आवाम रिलीफ लगेगा, फिर रिलीफ लगेगा इंशाल्लाह। आवाम उन्दे सबर करेगी, आवाम सबर करेगी, क्योंकि सबर करने वाले नहीं फल मिलता है, बगैर सबर करने वाले फल नहीं मिलता। बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सादात घराने के फर्जंद तमाम आमिलों के गुरु उस्ताद अलहाज सैयद बड़े शाह साहब, बड़ी ताकतों वाले, तमाम परेशानियों का रूहानी हल गारंटी और राजदारी से, मुरादों से झोलियां भर जाएंगी, पसंद की शादी, मोहब्बत में नाकामी, अज़्तवाजी मसाइल, तस्खीर मखलूकात के ख्वाहिशमंद, फौरी राबता करें।